नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद टीवी में। पिछले चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन करने वाले राजभर सपा के साथ हो लिए हैं। सुल्हादेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख इस बार गाजीपुर के जहूराबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने भाजपा का उम्मीदवार कालीचरण राजभर खड़े हैं। भाजपा ने राजभर समाज से ही प्रत्याशी उतार कर पहले ही ओम प्रकाश राजभर की परेशानी बढ़ा दी है, लेकिन राजभर को भाजपा के उम्मीदवार से ज्यादा डर बसपा से लग रहा है, क्योंकि भाजपा के उम्मीदवार को हराने के लिए जो उम्मीदें राजभर के पास बची थी, बसपा ने उस उम्मीद को छीन लिया है और राजभर की हार की संभावनाएं बढ़ा दी है। दरअसल पिछले चुनाव में जीत के बाद मंत्री बनने वाले ओम प्रकाश राजभर की महत्वाकांक्षा बढ़ गई है। इसके कारण उन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को गठबंधन करने का ऑफर दिया, लेकिन भाजपा ने इस ऑफर को आधे अधूरे तरीके से ठुकरा दिया। भाजपा ने राजभर को एक सीट देने की बात तो कही, लेकिन इसके लिए भाजपा ने भी शर्त रख दी। भाजपा ने राजभर से कहा कि चुनाव में उम्मीदवार तो आप चुन सकते हैं, लेकिन चुनाव चिन्ह भाजपा का लेना पड़ेगा। भाजपा के इस ऑफर को राजभर ने ठुकरा दिया और दोनों पार्टियों का रास्ता भी यहीं से अलग हो गया। इसके बाद राजभर ने ओवैसी के साथ गठबंधन की बात कही, लेकिन आगे चलकर उनके सामने सपा का ऑफर आया और फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। गठबंधन की ओर से उन्हें जहूराबाद सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन इस सीट पर उन्हें भाजपा उम्मीदवार से ज्यादा परेशानी बसपा से हो रही है। दरअसल जहूराबाद सीट पर इस बार पाला बदलने वाले उम्मीदवारों की भरमार है। ओम प्रकाश राजभर पहले भाजपा के साथ गठबंधन करके उम्मीदवार बने और जीत दर्ज की, लेकिन इस बार उन्हें सपा गठबंधन की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरी ओर बसपा ने शादाब फातमी को मैदान में उतारा है। शादाब फातमी इस क्षेत्र से सपा के विधायक और मंत्री रह चुकी है। इसके कारण फातमी की यहां से मुसलमानों में अच्छी पैठ है। वहीं बसपा की टिकट पर दो बार विधायक रह चुके कालीचरण राजभर को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि राजभर जाति के असर वाले इस क्षेत्र में ओम प्रकाश राजभर का सीधा मुकाबला कालीचरण राजभर से है, लेकिन ओम प्रकाश के गणित को बसपा की फातिमा ने बिगाड़ रखा है। ओपी राजभर को यहां सपा के वोट के सहारे की जरूरत है। इसके कारण उन्हें लग रहा था कि इस क्षेत्र के यादव और मुस्लिम वोट देंगे, लेकिन फातिमा के मैदान में उतरने के बाद से राजभर की टेंशन बढ़ गई है। फातिमा अब मुस्लिम वोट काटती नजर आ रही है, जिसके कारण राजभर बौखला गए हैं और उन्होंने बसपा को भाजपा की बी टीम कह दिया है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बसपा का टिकट गृह मंत्री अमित शाह बांट रहे हैं और बसपा इस चुनाव में भाजपा के लिए काम कर रही है। अब राजभर के ऐसे बयान से तो यही लगता है कि उन्हें चुनाव हारने का डर सताने लगा है और भाजपा से अलग होकर ओम प्रकाश राजभर पछता रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए मेरे साथ जुड़े रहे और देखते रहे हिंद टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।